हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट पे। फ्रेंड आ चुके हैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए जो स्टूडेंट्स इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड आपका जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का, क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लियो या फिर बेसिक मैथ्स, क्योंकि अब आपका अगला पेपर 12 मार्च को होने वाला, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके साथ इस समय डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग आज इस समय डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज। फ्रेंड यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करें आपके साथ हैश पार्ट वन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के रिविजन हमने कर लिया है, किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री को प्रिपेयर करना है। उससे पहले हमने कल एक वीडियो बना दी, आप जाकर चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस की जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड इसी के तहत फ्रेंड हम लोग आज आपके साथ लेकर आ चुके हैं। फ्रेंड इसीलिए आपके फ्रेंड आपका रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर फ्रेंड पॉलिनोमियल्स और आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एपी का फ्रेंड इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, चाहे आप बेसिक के हो या फिर स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो फ्रेंड इस वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड आगे बढ़ने से अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल अभी अपडेट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ये चैनल आप सभी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोज लाता रहता है। फ्रेंड मूव करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले रियल नंबर पॉलिनोमियल्स और आपके एपी वाले चैप्टर से। तो फ्रेंड साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दिए और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर दिए। मूव करते हैं फ्रेंड आप सभी के साथ, जो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम आ चुके हैं फर्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करने वाले पहले बेसिक मैथ्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ्स लिए उनके लिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनको प्रैक्टिस किए, मैं यहाँ पे इनके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड जो भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट होता है तो आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और सॉल्व नहीं कर पा रहे जस्ट आप हमें कमेंट कर दिएगा। एट द इवनिंग हम आपके साथ लाइव आएंगे और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी के लिए फ्रेंड देख सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, मैं इनके आंसर्स भी अभी आपको बता देता हूँ, और अगर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप जस्ट कमेंट कर दिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपसे भी के लिए बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए वो है आपका फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने फिर इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कर लीजिए। चांसेस है फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन 12 मार्च को होने वाला है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड बात करें सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी का क्वेश्चन फ्रेंड इज फ्रेंड यहाँ पे 1050 है, 1050 आपको दिया गया फ्रेंड, ये 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ अ 10, फाइंड द 20th टर्म फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके आंसर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर आपको डाउट होता है तो। फ्रेंड बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। तब थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ अ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड सम इज़ 45 एंड सम इज़ 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंसेज। यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज आपको यहाँ पे फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप फाइंड कर लीजिए। आप अगर कोई डाउट होता आप जस्ट हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई हम दे देंगे, और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो समझा दें तो फिर आज हम लाइव आएंगे शाम को, तो उसमें हम आपके साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट है फिर ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रूव दैट 5 - √3 इज़ इरेशनल, गिव दैट √3 इज़ अ इरेशनल। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव दैट, ये फर्स्ट चैप्टर जो आपको जो है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन जो हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फिर ये सारे इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो हम इसीलिए उसी सारे क्वेश्चन को हमने पिकअप किया जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिर यही सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको जस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, एक्सपेक्टेड हैं, मे बी चांसेस इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन के बाद बात करें फ्रेंड जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² -3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशियंट। फ्रेंड यहाँ पे फाइंड करना जीरोज़ एंड कोफिशियंट इनके फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ तक जो हमने 5 क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस की ये आपके बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए था, और आगे जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करें वो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके
जो सिलेबस है उनके बेसिस पे ही होंगी, और आपके जो 3 चैप्टर्स स्टार्टिंग के हैं फ्रेंड, आपके हो गया रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और आपके लीनियर इन वन इक्वेशन और टू वेरिएबल वाला जो दिया वो चैप्टर्स हो गया, या फिर एपी का हो गया, इन सारे चैप्टर्स से ये कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आगे डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं बता दूँ अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे अपने चैनल अभी अपडेट पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। और साथ साथ फ्रेंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने सॉल्यूशंस को मैच नहीं किए, अपने पेपर आपका हिंदी का हो गया या फिर आपका साइंस का पेपर हो गया या फिर अगर बात करें इंग्लिश का पेपर हो गया, तो जाकर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे चैनल पे आपको मिलती है, तो हमारे द्वारा मिलती है, तो चैनल को फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मूव करते हैं आपके जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 6th आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1 - x - 1 / x - 2 = 3 वेर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2। इंपॉर्टेंट इफेंट इसको इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन की बात करें, जो 7th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट एम प्लस एन टर्म इज 0। तो फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रेंड 8th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है, ऑप्टेन ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एक्स की पावर 4 + 4x³ - 2x² - 20x। फ्रेंड ये लास्ट में 20x है, तो फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। 20x है और फ्रेंड ये थोड़ा छूट गया, फ्रेंड 20x माइनस ये 15 फ्रेंड यहाँ पे होगा, तो फ्रेंड यहाँ पे ये इक्वेशन पूरा फ्रेंड देख लिए। फ्रेंड ऑप्टेन ऑल द, फ्रेंड यहाँ पे 15 आ गया, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से, ऑप्टेन ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, फ्रेंड यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ जो एक इक्वेशन दिया गया, एक्स की पावर 4 + 2x² - 20x - 15। फ्रेंड ये आपका ये पूरा इक्वेशन दिया, ऑप्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फ्रेंड इनके आपको पॉलिनोमियल्स बताने, फ्रेंड एक्स की पावर 4 + 4x³ - 2x² - 2x - 15। तो फ्रेंड ये आपका इक्वेशन, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपको। और इफ़ द टू ऑफ द जीरोज आर -√5 and -√5, इंपॉर्टेंट है, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रेंड स्टैंडर्ड वाले मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंड इस तरह के आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, देखने 4 या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जामिनेशन में, 4 और 3 मार्क्स के, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें फ्रेंड आपको, इफ़ द टर्म, इफ़ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर बी सी एंड 2b, फाइंड द जीरो रेशियो ऑफ बी एंड सी। फ्रेंड ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 10th क्वेश्चन जो बात करें जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो है आपका, इफ HCF ऑफ द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो फिर हम लोगों ने ओवरऑल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। फर्स्ट फ्रेंड ये आपके जो फर्स्ट हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। फ्रेंड जिन स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सारे इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और इन क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है जस्ट आप हमें कमेंट कर दिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज हम आपको लाइव आएंगे शाम को, तो उसमें आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सारे। फ्रेंड आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन ये बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, और फिर नीचे जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए फ्रेंड 6 से 10th तक क्वेश्चन जो हमने स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाल दिया है, तो अभी इन सारे चैप्टर्स फ्रेंड यहाँ पे मैंने 4 चैप्टर्स कोशिश किया कवर हो गया। फ्रेंड आपका एपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और लीनियर इक्वेशन वाला हो गया, और आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आपका वो जो चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चंस हो गए। तो 4 चैप्टर्स जो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके स्टैंडर्ड वाले मैथ्स स्टूडेंट के लिए। फ्रेंड चलते हैं इनके आंसर्स भी मैच कर लेते हैं। फिर इनके आंसर्स जो हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो आंसर्स होगा फ्रेंड ये आपका 13
14 पे आप देख सकते हैं आंसर्स मैच आप कर सकते हैं। 4 और 5 मैंने इसलिए आंसर्स नहीं लिखे फ्रेंड क्योंकि 4th वाले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था और जो 5th वाला जो क्वेश्चन है आपको फ्रेंड यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है जीरोज एंड कोफिशियंट का। तो आप उम्मीद करते हैं आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स खुद फाइंड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड ये 8th वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं ऑल द जीरोज ऑफ पी एक्स आर रूट फाइव एंड माइनस रूट फाइव एंड माइनस थ्री एंड माइनस वन, इट्स इंपॉर्टेंट, आप चेक कर सकते हैं आंसर्स ये सारे मैच कर सकते हैं। फ्रेंड मैं फिर से आपको कहता हूँ अगर कोई आंसर्स आपको नहीं आता और आप चाहते हो हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप जस्ट हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई के थ्रू हो सके तो या फिर हम लाइव आके आज इवनिंग में आपके साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड ये उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिए मैक्सिम फ्रेंड को और वीडियो को लाइक कर दिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने सॉल्यूशंस वाली वीडियोस को नहीं देखा हमारे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का हो गया और साइंस का, तो इंपॉर्टेंट उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने हर एक सेट्स के डिस्कस किए वहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।